मुझे लगता है कि डॉक्टर्स वो काम करते हैं जो पादरी, मौलवी, पुजारी जी ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये लोग आपको बताएंगे कि ईश्वर से मिलने का मार्ग क्या है, पर डॉक्टर्स आपकी मदद करते हैं कि आप ज़्यादा जल्दी ईश्वर से ना मिलें। बस डॉक्टर्स की यही एक कमी है, वो आपको ऊपर वाले से मिलने से रोकते हैं। और कोरोना के साथ एक छोटी सी परेशानी ये है कि ये आपको ईश्वर से तुरंत मिलवाएगा। इतना ही नहीं, ये आपके लिए एक बम्पर ऑफर लेके आया है। एक टिकट लो और पूरी फैमिली घुमाओ, फैमिली पैकेज का। ये कहता है कि पहले आप प्रभु के दर्शन करेंगे, फिर आपके परिवार वाले करेंगे। बस आप एक बार घर से बाहर तो आइए, सड़कों पर कुछ पल तो बिताइए। कुछ लोग हैं जो आपको परलोक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं सर पे टोपी लगाए, हाथ में डंडा लिए आपकी ताक में बैठे हैं कि आप कब निकलेंगे। उनसे बचकर निकलिएगा, वरना परलोक से पहले आप कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे। हमारे मित्र हैं रामकिशन जी, इनके अंदर बड़ी अकुलाहट है बाहर निकलने की, क्योंकि रामकिशन की बड़ी बड़ी मूछें हैं और मेड़ पर बैठे गन्ना चूसे हैं और बई गन्ना से उनके धर के सूखते हैं तो सीधे घर पहुँचे हैं। इनके अंदर एक अलग बीमारी है ना, तीन पत्ती खेलने की आदत है। ये समय नहीं है तीन पत्ती खेलने का। जो प्यास लगी है आपको वो सब बुझा देंगे जो वहाँ आपको बाहर मिलेंगे बैठे हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोरोना की डिलीवरी आपके फिंगरप्रिंट सेंसर से भी तेज होती है। फेस डिटेक्शन है इसमें, दूर से ही कैच कर लेता है, छूने की भी ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाओगे तो शायद चेहरा ना पहचान पाए। आखिर कोरोना वायरस जो है ये बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है, COVID-19 चाइनीज प्राइवेट लिमिटेड। ये काफ़ी देशों में अपने पैर जमा चुका है और यहाँ अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश में है। अमेरिका और इटली ने पूरे जोर शोर से स्वागत किया। Look at that guy over there. Wow. Bring him up. तुम आ गए हो, नूर आ गया है। उन्होंने लापरवाही बरती, खुले हाथों से उनका स्वागत किया कि आओ गले मिले। COVID-19 इतनी तेजी से आगे निकल गया है कि फॉग को पीछे छोड़ दिया। अब कोई नहीं कह रहा है कि फॉग चल रहा है, फॉग की टांगें टूट गई हैं, कमर में लचक आ गई है। और फिलहाल ये अपने स्पॉन्सर ढूंढ रहा है और ये सबसे ज़्यादा टारगेट करता है खुले घूम रहे लोगों को, उन ज्ञानी लोगों को जो मानते हैं कि लॉकडाउन उनके लिए नहीं है, जिनके अंदर एक खुजली है कि बिना कारण बाहर निकलने की उनकी एक प्रवृत्ति बन गई है। ये जो वायरस है ये तीतर प्रणाली से आगे बढ़ता है। तीतर प्रणाली होती है कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। आप नहीं बता पाओगे जब तीतरों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, कम्युनिटी स्प्रेड में पता नहीं चलता है। तो तीतर बनने से बचें, और अगर आप किसी तरह इन्फेक्ट हो गए ना तो मेडिकल स्टाफ ही आपकी मदद करेगा, इसलिए कृपया करके उनसे बदतमीज़ी और ये सब हरकतें ना करें। 1846 की बात है, हंगरी में दो मेडिकल हॉस्पिटल्स थे। एक हॉस्पिटल में एक फिजिशियन काम कर रहा था, उसने नोटिस किया कि 5 में से 4 माओं की डेथ हो रही, मदर्स, बच्चे को जन्म देते वक्त ही उसकी डेथ हो रही है। ये पहले भी हो रहा था पर सॉल्यूशन निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की। उसने एक तरीका अपनाया कि एक हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में जो सिस्टर्स या डॉक्टर्स बच्चों को डिलीवरी करवाती थी उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। डिलीवरी के पहले साबुन से हाथ धोना, इक्विपमेंट्स को क्लोरीन वाटर में स्टेरिलाइज करना और डिलीवरी के बाद सेम प्रोसेस दोबारा करना। उसने देखा कि जिस हॉस्पिटल में ये तरीका नहीं अपनाया जा रहा था वहाँ अब भी 5 में से 4 मौतें हो रही थीं, और जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा था उसने देखा कि मरने वालों की संख्या 5 में से 1 हो गई थी। फिजिशियन को समझ आ गया था कि कुछ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस हंगेरियन फिजिशियन का नाम था इग्नास सेमेलवाइस। ये वो वक्त था जब जर्म्स के बारे में खोज नहीं हुई थी, जर्म्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। और 1892 में एक रिसर्चर ने अपने माइक्रोस्कोप में कुछ देखा, वो तंबाकू की पत्ती पर था।
एक वायरस जिसे पहले कभी देखा नहीं गया था। दमित्री इवानोवस्की उस साइंटिस्ट का नाम था। इवानोवस्की ने जब देखा तब उसे समझ आया कि इग्नास सही था। उन्हें ये प्रूफ लगाने में पूरे 46 साल लग गए, 46 ईयर्स, कि जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। अगर लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद बहुत सारी जानें बच जाती। हालांकि इस प्रोसीजर को बाद में कंपलसरी कर दिया गया कि इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करना ही करना है। आज हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। हमें कम से कम ये तो पता है कि कोरोना जैसा कोई वायरस है, एक वायरस है जो इस वक्त एटमॉस्फेयर में है। 1918 स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था, किसी को पता नहीं चला कि वायरस फैला है। 1 करोड़ जाने गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी को पता नहीं था कि सबको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आज पता होने के बावजूद हम वो गलतियां कर रहे हैं। जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें, क्योंकि आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो आप अपने घर वालों को और मेडिकल स्टाफ को, दोनों को खतरे में डाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बोझ बनना पसंद नहीं करेंगे। पिछले 3 से 5 महीने में ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन 130 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके, या तो वो इलाज करते करते इन्फेक्ट हो गए या किसी दूसरी वजहों से इन्फेक्ट हुए। ये वर्क उनके लिए डेडिकेटेड है, और जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ इस वक्त काम कर रहे हैं ये उनके लिए डेडिकेटेड है।